गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हम समझते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिकल काइनेटिक्स के इंट्रोडक्टरी पार्ट को, यानी हम समझेंगे कि केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है। हमने यहाँ हेडिंग डाल दिया है, क्या है? केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स को हिंदी में बोलते हैं रासायनिक बलगति। क्या बोलते हैं? रासायनिक बलगति, केमिकल काइनेटिक्स। अब ध्यान से समझिए केमिकल काइनेटिक्स क्या है। केमिकल काइनेटिक्स में हम किसका स्टडी करते हैं, हम आपको समझाते हैं। क्या? द ब्रांच ऑफ केमिकल साइंस। क्या? द ब्रांच ऑफ केमिकल साइंस विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ द स्पीड, यानी कि द ब्रांच ऑफ केमिकल साइंस यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा। क्या? रसायन विज्ञान की वह शाखा विच डील्स, जिसमें हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं। विथ द स्टडी ऑफ, यानी जिसमें हम पढ़ते हैं किसकी, द स्पीड यानी किसकी, स्पीड की, किसके स्पीड की, द स्पीड ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। क्या? स्पीड या उसके किसी भी केमिकल रिएक्शंस के स्पीड को पढ़ते हैं। और क्या? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन या किसी भी रेट केमिकल रिएक्शंस के रेट को पढ़ते हैं। के रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, द फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शंस। हम उस फैक्टर को बारे में पढ़ते हैं जो किसी रेट ऑफ रिएक्शंस को क्या करता है, अफेक्ट करता है, यानी तेज कर देता है, कम कर देता है। इन सब को हम किस में पढ़ते हैं, केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं, केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शंस एंड द मैकेनिज्म, यानी जो हम लोग मैकेनिज्म पढ़ते हैं, यानी कैसे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, कैसे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन घट जाता है। मैकेनिज्म बाय विच द रिएक्शन प्रोसीड, जिससे कोई रिएक्शन प्रोसीड होता है, नोन एज केमिकल काइनेटिक्स। उसको क्या कहते हैं, केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स रसायन विज्ञान की वह शाखा है। क्या है? केमिकल काइनेटिक्स रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के स्पीड, रेट और उसके क्या, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शंस, इनके बारे में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। यानी किसी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन है वो किस स्पीड से हो रहा है, उसके ऊपर क्या क्या जो है अफेक्ट कर रहा है, जैसे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, प्रेशर का क्या इफेक्ट है, तो इस इफेक्ट को केमिकल रिएक्शन के ऊपर क्या पड़ता है, इन सब की स्टडी हम कहाँ करते हैं, केमिकल काइनेटिक्स में करते हैं। ध्यान से समझिए, अब यहाँ पर आता है रेट ऑफ रिएक्शंस। क्या? सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स में हमको पढ़ाया जाता है रेट ऑफ रिएक्शंस, यानी हम समझते हैं रेट ऑफ रिएक्शंस को। रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होता है? मान लो एक रिएक्टेंट आर है। क्या है? एक रिएक्टेंट आर है, वह प्रोडक्ट पी में कन्वर्ट हो रहा है। क्या? एक रिएक्टेंट आर है, वह प्रोडक्ट पी में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए, जब रिएक्टेंट आर है वो प्रोडक्ट पी में कन्वर्ट हो रहा, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? क्या रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट, यानी कि चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, यानी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना बदल रहा है या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना बदल रहा है, इन टाइम टेकन, यानी कि टाइम टेकन कितने समय में। ध्यान से समझिए, उसके बाद या तो फिर हम क्या कहते हैं, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या? डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, टाइम टेकन, यानी कि जैसे हमने कहा कि 10 मिनट में, क्या कहा हमने, कहा 10 मिनट में हमारा जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का 100 मोल से कम हो के कितना 50 मोल हो गया है। क्या हो गया? 50 मोल हो गया है। तो इसी यही चीज़ होता है रेट ऑफ रिएक्शंस। अब ध्यान से समझिए, रेट ऑफ रिएक्शंस को हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। रेट देखिए क्या है, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन है, और ये क्या है, टाइम टेकन है। यही चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऊपर और टाइम टेकन हम नीचे रखते हैं, यही यहाँ पर समझाया गया है।
ध्यान से समझो, इसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन स्मॉल आर इज इक्वल टू माइनस डी कैपिटल आर अपन डी टी, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होता है, घटता है, इसलिए हम यहाँ क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं, क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं, इज इक्वल टू डी पी अपन डी टी, यानी कि जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता है इसलिए हम यहाँ क्या करते हैं, पॉजिटिव लगाते हैं। ध्यान से समझिए, और नोट, रेट ऑफ रिएक्शंस नेवर बी जीरो और नेगेटिव। जो रेट ऑफ रिएक्शंस होता है ना, वो कभी जीरो होता है न कभी वो निगेटिव होता है। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस लगाने होंगे तो हम आपको क्या है न्यूमेरिकल बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में। पहले देख लीजिए, जैसे अगर रेट ऑफ रिएक्शंस किसी भी केमिकल रिएक्शंस का निकालना, जैसे यही है 100 मोल से क्या हो गया 50 मोल हो गया है, टाइम क्या लिया है 10 मिनट, तो चेंज इन कंसंट्रेशन कितना हो गया, चेंज 100 माइनस 50 क्या हो गया 100 माइनस 50, तो चेंज इन कंसंट्रेशन हो गया 50 मोल, क्या हो गया 50 मोल, और हमारा टाइम टेकन कितना है 10, तो रेट ऑफ रिएक्शन आर इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन अपन टाइम टेकन, तो यही हो जाएगा आपका, जीरो से जीरो कैंसिल, तो हो जाएगा 5 मोल पर मिनट, क्या होगा 5 मोल पर मिनट। ध्यान से समझिए, क्योंकि ये मिनट में दिया है, क्या दिया है मिनट में दिया है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शंस को क्या करेंगे, निकालेंगे। अब देखिए, ये जो कर्व बना हुआ है इसको हम क्या कहते हैं, हिंदी में कर्व कहते हैं, और ये ग्राफ है, ये यहाँ पर आप देखिए बना हुआ है जीरो, ये जीरो क्या है, जीरो इंडिकेट करता है कि यहाँ पर जो हमारा टाइम है और हमारा क्या है कंसंट्रेशन क्या है, दोनों जीरो है, क्या है टाइम और कंसंट्रेशन दोनों जीरो है, और इधर क्या है टाइम इंक्रीज कर रहा है, क्या है टाइम इंक्रीज कर रहा है, और इधर ऊपर क्या है हमारा कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है। ध्यान से समझिए, अब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, एक मिनट दो मिनट रिएक्शन स्टार्ट हो गया, एक मिनट बाद दो मिनट बाद तीन मिनट बाद, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की घट रही, यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घट रही है, मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। अब यही चीज़ यहाँ देखिए, जैसे रिएक्शन स्टार्ट हुआ था तो टाइम जीरो था, यानी प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या था जीरो था, और जैसे जैसे टाइम बढ़ने लगा वैसे वैसे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या हो गया बढ़ने लगा, यानी कि प्रोडक्ट जैसे जैसे रिएक्शन का टाइम बढ़ता वैसे वैसे प्रोडक्ट क्या होगा बनने लगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा वैसे वैसे प्रोडक्ट बढ़ा और हमारा रिएक्टेंट क्या हुआ घटा, यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में लगातार कन्वर्ट हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। डियर स्टूडेंट्स, ये क्या था हमारा इंट्रोडक्शन था, केमिकल काइनेटिक्स का एक इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्टरी पार्ट, की केमिकल काइनेटिक्स क्या होते हैं। अगर इसमें कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बताएं, हम नेक्स्ट वीडियो में इसका जो है आपको सोल्यूशन देंगे, आपको कहाँ समझ में नहीं आ रहे। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर जरूर करो, पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।